देश में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने चेताया है कि कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल अगले साल तक भी पालन करते रहना होगा। उन्होंने तीसरी लहर की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल तक मास्क लगाए रखना होगा। पॉल ने कहा कि अभी मास्क पहनना बंद नहीं होगा अगले कुछ समय, यहाँ तक कि अगले साल तक हमें मास्क पहनते रहना होगा। पॉल ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड के खिलाफ लड़ाई अनुशासन और वैक्सीन और प्रभावकारी दवाओं के जरिए ही जीती जा सकती है। पॉल ने कहा कि मेरा मानना है कि इसे हम इस महामारी के समय से पार पा लेंगे। तीसरी लहर की आशंका के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर पॉल ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कि NDTV के अनुसार पॉल ने कहा कि अगले 3-4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें खुद को सुरक्षित करने का प्रकोप से बचने की जरूरत है। डॉक्टर पॉल ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा कम करने के प्रति भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से व्यापक रूप से संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जोखिम भरा समय है, वक्त आने पर गाइडलाइन लागू की जानी चाहिए। सही समय पर हस्तक्षेप से संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल में मास्क पहनना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि शामिल है। संक्रामक रोगों से निपटने के लिए मास्क पहनना सबसे प्रभावी तरीके में से एक माना जा रहा है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।